हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। आप सभी जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको लोकतंत्र, और आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, परिणाम। कि डेमोक्रेसी से एक्चुअल जब डेमोक्रेसी किसी कंट्री में होती है तो उस कंट्री में क्या होते हैं रिजल्ट्स, उस कंट्री की जनता जो होती है, उस कंट्री के जो पीपल होते हैं वो हैप्पी होते हैं अनहैप्पी होते हैं, ये पढ़ने वाले हम लोग। सो सिंपल सी बात बताया जरा, द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जो सबसे कॉमन जो है ना आउटकम रिजल्ट है, क्या है वो है कि एक तो पॉलिटिकली एंड सोशली इक्वालिटी देना, किसको, जनता को। पॉलिटिकली मतलब बात करें तो राइट टू वोट सबके पास होना चाहिए, राइट टू वोट हो गया या राइट टू फ्रीडम हो गया, कुछ बेसिक राइट्स जो है, राइट टू इक्वालिटी, ये जनता के पास होने चाहिए। तो ये सब बातें जो है ना कहाँ मिलती, पता आपको, ये सारी बातें मिलती हैं आपको डेमोक्रेसी में, ठीक है। अगर हम एक नॉर्मल चीज़ देखें तो डेमोक्रेसी को क्या बोला गया, डेमोक्रेसी को कंसिडर किया है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब क्यों बोला गया, देखो सवाल आता है एग्जाम्स में आपके कि डेमोक्रेसी बेस्ट और बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन अदर्स, वाई, क्यों, रीज़न क्या है इसका। तो इसके रीज़न देखो गिवन है यहाँ पे। सबसे पहले रीज़न क्या आता है इसका, प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजंस, भाई जनता के बीच में इक्वलिटी को बनाती है कौन, डेमोक्रेसी, राइट टू वोट ना, वन पीपल वन वोट, एक बंदा एक वोट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जो झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक जुडिशरी होती है, वो जुडिशरी मोस्टली आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी होगी, एंड इट विल बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपका। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब जो होते हैं ना फैसले, फैसले भी जो सरकार लेती हैं तो वो जनता के प्रेशर में लेती है, जनता को देख के कि जो प्रॉमिस किए थे उसी अकॉर्डिंग लेती हैं अपने वो फैसले, ऐसे नहीं कि कुछ मन से अपने ले लिया पक्ष में फैसला। जितने भी फैसले होते हैं ना डेमोक्रेसी में वो अक्सर पब्लिक की भलाई के लिए होते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं आपको। ये अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स को सुधारने का क्या होता है, काफ़ी आपको बहुत बार टाइम मिलता है, मतलब या फिर यू कैन से कि आपको मौके मिलते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के। इन्हेंसिस दी डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल की बेइज्जती होती है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी यानी कि उसकी रिस्पेक्ट को और मेंटेन रखता है। क्यों, क्योंकि हर किसी के पास में इक्वल राइट, चाहे वो आपका अमीर हो, चाहे वो आपका गरीब हो, चाहे वो कोई बैकवर्ड हो, सबके राइट्स इक्वल रहते हैं कहाँ पे, आपकी डेमोक्रेसी में आपको, ठीक है बच्चों। अब इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो क्या है आपका, वो है आपका पॉलिटिकल आउटकम्स, यानी कि राजनीतिक परिणाम, मतलब कि किस तरीके से एक इंसान की पॉलिटिकल लाइफ पे फर्क पड़ता है डेमोक्रेसी के होने से। तो जो पॉलिटिकल आउटकम्स डेमोक्रेसी के हैं वो क्यों है, वो क्या है, वो एक्चुअल है कि आपको एक सरकार दे ऐसी जो अकाउंटेबल हो, जो रिस्पॉन्सिव हो और जो लेजिटिमेट हो। ये तीन तरह की सरकार आपको देने का होता है मकसद, किसका, डेमोक्रेसी का। कैसे, ज़रा पढ़ते हैं इसको हम लोग। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इज वन डेट इज आंसरेबल टू द सिटीजंस। आपने सरकार चुनी, सरकार जो भी काम कर रही है चाहे अच्छे चाहे बुरे, सरकार को आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, जवाबदेह समझते हो, मतलब जो भी वो काम करे उसका उसके पास में होना चाहिए जवाब कि क्यों किया वो काम, अगर अच्छा हो तब भी, बुरा हो तब भी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स सिटीजंस, जनता ने चुना है आपको, जनता ने वोट दे सरकार को, तो सरकार जो है वो जनता के बिहाफ पे काम कर, जनता के लिए काम करती है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, जो सरकार से जनता उम्मीदें करती है, जो उनकी नीड्स पूरी करती है, उस अकॉर्डिंग सरकार काम करती है। बिफोर टेकिंग डिसीजन, जब भी कोई फैसला लेती है ना सरकार आपकी, ठीक है ना, तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार एक तरीके से ले फैसला, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार करे फैसला, ना कि अपने मन से कर ले। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ मेड रॉन्ग डिसीजन देन इट हैज़ टू एक्सेप्ट एंड करेक्ट इट इमिजिएटली, अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो उसको ठीक करना पड़ता है और अपनी उसको गलती आपकी माननी भी पड़ती है। ये कहाँ पे होता है, ये होता है जब देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। लेकिन जहाँ पे होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, वो है जो वो कभी भी कुछ केयर नहीं करती, दे डो नॉट केयर अबाउट कंप्लेंट्स ऑफ सिटीजंस,
क्योंकि डेमोक्रेटिक है ही नहीं यार, सरकारें आई, जैसे मैंने बोला कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिज्म होता है जहाँ पे, जैसे मैंने बोला USSR एक कंसेप्ट है, पढ़ोगे आगे 12th पॉलिटिकल साइंस में, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी ना अकाउंटेबल थी ना रिस्पॉन्सिबल थी, और जनता की इच्छाओं को वो करवाती नहीं थी पूरा, इसलिए क्या हुआ, वो टूट गई आपकी पार्टी भी टूट गई, पूरा कंट्री टूट गई थी आपकी। सो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, दे आर ऑल्सो नॉट वरीड अबाउट द पब्लिक ओपिनियंस, ना वो जनता की कंप्लेंट सुनती हैं ना वो जनता के बारे में सोचती हैं, इट टेक्स डिसीजन वेरी फास्ट, ठीक है, एंड डिसीजन विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिटीजन्स, ये ऐसे लेते हैं ना फैसले जो ना तो मंजूर होते हैं पब्लिक को और ना उनके काम के होते हैं, इसलिए वो खिलाफ जाते हैं उनके। देयर फॉर द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर एंड इट्स अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है ना, हर जनता एक रिस्पॉन्सिबल एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती है जो उनकी बातों को सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को वो दूर करे। यहाँ तक बेटा आपका हो चुका। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग, जितने भी फैसले हो रहे हैं ना वो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कि ओपननेस हो, वहाँ पे ओपननेस हो, कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार कोई भी काम छुपके ना करे, सरकार जो भी काम करे वो बता जनता हो कि भाई मैंने ये काम किया है, इस काम से ये फायदा होगा, खुल के बताए, जनता समझे ना समझे वो उसकी दिक्कत है। लेकिन एक विजिलेंट सिटीजन जो होता है ना, वो सिटीजन जरूर समझता है देश के हित में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, इट मीन्स डैट गवर्नमेंट शुड बी ऑपरेटेड इन सच अ वे डैट इट इज ईजी फॉर सिटीजन्स टू सी वॉट एक्शंस आर परफॉर्म वाइल लेकिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंस का मतलब क्या होता है, सरकार जो भी काम कर रही है ना वो हर एक चीज़ बताए अपनी, हर चीज़ मतलब हर चीज़ नहीं, मतलब कुछ चीज़ें बताएं कि वो किस तरीके से काम कर रही है, उसका मोटिव क्या है उस काम के पीछे। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग वेन एवर दे थिंक इट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। सरकार को जनता को भी देना चाहिए मौका कि जनता अपने रखे बातें सामने, जनता एक्चुअल में चाहती क्या है, क्योंकि सरकार बनाई ही जनता के लिए गई है, अगर जनता के हित में काम नहीं होगा, जनता के लिए काम नहीं होगा, तो फिर सरकार का होना किसी काम का ही नहीं होता है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, ट्रांसपेरेंसी इज कंसीडर्ड मिसिंग इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये ट्रांसपेरेंसी जो वर्ड है ना ये सिर्फ होता है डेमोक्रेसी में, ये नॉन डेमोक्रेसी में होता है नहीं, क्योंकि वो तो मनमानी करते हैं ना अपनी, बट इन रियलिटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आल्सो डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग विद सिटीजंस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल अगर हम लोग, हमने बोला है कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई कहते हैं ना कोई प्रूफ नहीं है कि अभी तक ऐसा हुआ है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी चाहें तो ट्रांसपेरेंसी होती, लेकिन अभी तक इन्होंने फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं की है, ये लोग भी कभी कभार झोल कर देते हैं आपको। ये डेमोक्रेसी कैन बी मेजर्ड बाय रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट एंड ऑन मेजर पॉलिसीज एंड द लेजिस्लेशन, डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, इट्स अ गुड डेमोक्रेसी और बैड डेमोक्रेसी, ये पता लगता है कि उस कंट्री में उस देश में चुनाव टाइम पे हो रहे हैं, पब्लिक डिबेट्स हो रहे हैं, जनता की सुनी जा रही नहीं सुनी जा रही आपकी है। मोस्ट डेमोक्रेसी डू नॉट हैव रेगुलर इलेक्शंस, वैसे तो देखा जाए तो बहुत डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं होते, बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज लार्ज डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे चुनाव रेगुलर हो रहे हैं यहाँ पे आपका। मोर ओवर इट इज़ बिलीव डैट डेमोक्रेसी इज अटेंटिव टू द नीड्स और डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, अब ये तो थोड़ा सा उन्होंने उल्टा बात कर दी यहाँ पे, बट ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेसी में भी आपका करप्शन होता है, बट देयर इज नथिंग टू प्रूव डैट दीज टू आर अवेलेबल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में करप्शन होता है ये सब जानते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप हर चीज़ को लिख के जाओ, बट लिख देना चीज़ को भी आप। थर्ड पॉइंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वेयर ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री आर इक्वल एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स, इसका मतलब होता है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसमें लॉज दिए हैं वो सब पे होंगे एप्लीकेबल, चाहे वो एक गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे एक्टर हो चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, सबके लिए इक्वल लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 14-18 इन ए कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। इन दिस गवर्नमेंट पीपल आर गवर्न विदाउट फियर और फेवर एज वेल, यहाँ पे जनता अपने, जनता जो है और सरकार जो है वो बिना किसी डर के रूल करती है। अ गवर्नमेंट शुड बी अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल,
जनता जो है ना वो सबकी डिमांड्स को सुनती, सरकार जो है सबकी डिमांड को सुनना पड़ेगा यहाँ पे, आप किसी एक की नहीं। आपको अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे बी स्लो लेस एफिशिएंट एंड नॉट एज रिस्पॉन्सिबल बट इट इज़ द पीपल ओन गवर्नमेंट। भले ही एक सरकार रिस्पॉन्सिबल ना हो स्लो, लेकिन वो जनता की अपनी होती है क्योंकि जनता ने खुद उसको चुना है, जनता ने खुद वोट दिया था। डैट इज़ वाई देर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द एंटी डेमोक्रेसी ऑल ओवर द, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दस इट इज़ कंटेनली अ बेटर एंड मोर लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फाइनल क्लास, ये पार्ट वन था। पार्ट वन में हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस की है पॉलिटिकल आउटकम्स। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।